हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अभराज मोर और आप देख रहे हो डीएनपी टेक्निकल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई अगर आप कोडुलर पे कोई भी एक ऐप बना रहे हो और आप चाहते हो कि आप उसमें पेटीएम एक्सटेंशन लगाओ, और पेटीएम एक्सटेंशन आपको लगाने के लिए आपको पहले पेटीएम एक्सटेंशन का जो कोड होता है या AIX फाइल होता है वो आपको डाउनलोड करना पड़ता है, और वो डाउनलोड करने के लिए आपको फ्री में कहीं भी नहीं मिलता, आपको पैसे पे करने होते। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि AIX फाइल आप चाहो तो किसी भी, अगर आपके पास कोई AIX फाइल है तो आप उसमें से निकाल सकते हो और उसको जो चाहो, जैसे चाहो और जिस AIX फाइल में चाहो उसमें आप डाल सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, जान लेते हैं कि ये कैसे होगा, कैसे आप किसी भी पेटीएम एक्सटेंशन को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो सिंपली हम आ जाते हैं कोडुलर पे, और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ मेरे पास से ये एक पेटीएम एक्सटेंशन, और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है एक व्हाट्सअप नंबर लिख करके। ये सिंपली एक नंबर है, आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये कोई भी मोबाइल नंबर नहीं है, मैंने बस सिंपली जाँच के लिए लगा दिया है। और यहाँ पर इसको कैसे बदलना है और इसमें क्या क्या एडिट होता है वो चीज़ें हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसको हम कैसे इस AIX फाइल से हम निकालेंगे। तो सिंपली हम कर देते हैं इसको क्या करना है, यहाँ से मान लीजिए ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें है भैया ये पेटीएम एक्सटेंशन, तो हम क्या करेंगे यहाँ से चले जाएंगे प्रोजेक्ट पे, और प्रोजेक्ट पे जाने के बाद हम यहाँ से जो AIX फाइल है उसे अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेंगे। तो क्या करना है यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन वन पे देखिए यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ इसे फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, हो सकता है तब ले लें, क्योंकि यहाँ पर देखिए नहीं ले रहा है ये डाउनलोड होने का ऑप्शन AIX फाइल को। तो इस रिफ्रेश करने के बाद हम देखते हैं कि भैया क्या ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अगर नहीं देगा तो उसका भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे हम प्रोजेक्ट पे ओके करेंगे तो यहाँ पे अभी भी नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेने वाले हैं एक कैमरा, हमने लिया है, तो यहाँ पे चले जाते हैं ब्लॉक्स वाले पार्ट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे देखिए AIX फाइल पे, तो यहाँ पे AIX फाइल ले चुका है डाउनलोड के लिए। तो अब यहाँ से हम इसके प्रोजेक्ट पे ओके करेंगे और यहाँ से AIX फाइल को हम कर लेंगे डाउनलोड, और कुछ ही समय में हमारा AIX फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसे सेव कर लेता हूँ, अब ये देखिए मेरा रिपेयर जोन EDD करके जो मेरा AIX फाइल है वो डाउनलोड हो चुका है, और यहाँ पर एक नंबर भी शो कर रहा है, पहले मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है इसलिए इस पर नंबर शो कर रहा है, तो इससे घबराने वाली बात कोई नहीं है। अब हम आ जाते हैं, अब उसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक WinRAR सॉफ्टवेयर जो आपको गूगल से बहुत ही आसानी से मिल सकता है। आप जाकर के लिखोगे अगर गूगल पे WinRAR तो यहाँ पे डाउनलोड देखिए यहाँ पे आ गया। आप जैसे ही इसे ओपन करते हो, यहाँ से पहला ही वेबसाइट आप ओपन कर लो, और यहाँ पे जैसे ही आप इसे ओपन करोगे ना तो यहाँ से जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट का है, 63 बिट का है, तो आप वहाँ से हिसाब से अपने हिसाब से डाउनलोड कर लो, और ये आपको बहुत ज़्यादा MB का तो नहीं पड़ता, आप आराम से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली WinRAR को ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद आपको चले जाना है फाइल वाले पर्सन पे, और फाइल पे जाकर के ओपन अचीव पे ओके कर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ से करना है ऑल फाइल को सिलेक्ट करना है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको करना है ऑल फाइल को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ से चले जाना है भैया जहाँ भी आपने ये AIX फाइल डाउनलोड किया है वहाँ पे, और उस AIX फाइल को आपको करना है ओपन। और जैसे ही आप ओपन कर लेते हो इस ओके, तो यहाँ पे आपको मिलता है एसेट का ऑप्शन, इसको ओपन करना है, और यहाँ पे मिलता है आपको एक्सटर्नल कंपोनेंट का ऑप्शन, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों हैं हमारे भैया जो पेटीएम एक्सटेंशन है वो यही पे है, यही दोनों है। आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों को यहाँ से उठा करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो ये चीज़ें मैंने पहले ही कर रखी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे पास दोनों पड़े हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम करते हैं बाय बाय टाटा बाय बाय, और यहाँ से हम पेस्ट करते हैं, इन दोनों को इसी तरह आने देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, चले जाते हैं कोडुलर में, और कोडुलर में आने के बाद मान लीजिए आपको, अब हम प्रोजेक्ट पे चले जाते हैं माय प्रोजेक्ट पे, अब आपको इसमें इसको डालना है, जो भी आपका एक्सटेंशन है उसको आपको इस एप्लीकेशन में लगाना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक्सटेंशन पहले से ही एक लगा हुआ है, पर इसमें पेटीएम का एक्सटेंशन नहीं लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको प्रोजेक्ट पे ओके करना है, और इसका AIX फाइल आपको फिर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको करना है सेव, और यहाँ से ये हो गया हमारा डाउनलोड। अब इसको करना है मिनिमाइज, और उसके बाद आपको फिर WinRAR फाइल को ओपन करना है, और यहाँ से आपको आना है
ओपन अचीवमेंट पे जाना है और यहाँ से फिर से आपको नहीं जहाँ पे भी उस फाइल को डाउनलोड किया है वहाँ पे चले जाना है और यहाँ से आपको करना है ऑल फाइल पे सिलेक्ट और यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया, इसको कर लेता हूँ मैं ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सेट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से एक्सटर्नल कंपोनेंट का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा जो पहले का जो एक्सटेंशन है वो दिख रहा है और यहाँ से हमको क्या करना है, इन दोनों को करना है सिलेक्ट और सिलेक्ट करके यहाँ पे जा करके हमें छोड़ देना है और उसके बाद इसको कर देना है ओके। तो ये हमारा दोनों एक्सटेंशन इसमें लग चुका है। अब इसको हम कर देते हैं यहाँ से बैक और बैक करने के बाद हम आ जाते हैं अपने कूडलर पे। अब चले जाते हैं माई प्रोजेक्ट पे। माई प्रोजेक्ट पे जाने के बाद हम पहले उससे पहले हम देख लेते हैं, देखिए जो हमने ये फाइल डाउनलोड किया था उसका नाम के आगे लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए जैसे डाउनलोड पे हमने किया तो यहाँ पे एक अंक लिखा हुआ और जब अंक लिखा हुआ होता है तो ये फाइल अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो वो नहीं लेता है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। अब यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसके आगे कुछ और लिख देते हैं, तो इससे हमें वो फाइल हमें डिलीट नहीं करना होगा, नहीं तो ये अगर सेम नाम होगा तो नहीं लेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं कोडलर पे और यहाँ से इम्पोर्ट फाइल पे ओके करते हैं। इम्पोर्ट पे ओके करके सॉरी यहाँ से हमने भी सिलेक्ट ही नहीं किया, तो अब यहाँ से करते हैं हम सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने ये जो फाइल है मैंने इसको ओपन किया, यहाँ से करता हूँ इसको मैं इंपोर्ट। अब इंपोर्ट करने के बाद अब यहाँ पे देख रहे हैं अपलोड हो रहा है 29% 46% अपलोड हो चुका है, थोड़ा समय लगेगा और ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो चुका है, अब थोड़ा सा नेट स्लो है अभी हो जाएगा, तो वेटिंग फॉर। अब यहाँ से देखिए ये हमारा जो फाइल है अपलोड हो चुका है और अब ये डाउनलोड होने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे देखिए ये फाइल हमारा खुल चुका है। अब यहाँ पे आ जाते हैं एक्सटेंशन पे और एक्सटेंशन पर आने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो पेटीएम एक्सटेंशन है वो आसानी से यहाँ पे लग चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए वो जो सेम उसमें दिख रहा था वही सारी चीज़ें इसमें दिख रही है। ब्लॉक्स वाले पार्ट्स पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको पेटीएम का दिखा देता हूँ। पेटीएम आने के बाद आपको जितने भी चीज़ें चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने बताया कि आपको कि भाई कैसे आप एक्सटेंशन को फ्री में पा सकते हो। अगर आपके पास कोई भी ऐसा AIA फाइल नहीं है जिसमें पेटीएम एक्सटेंशन हो तो आपको सिंपली मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जहाँ पे आप उस लिंक पे कॉपी कर तो क्लिक करते ही चले आएंगे आप यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्री डाउनलोड एक्सटेंशन और पेटीएम एक्सटेंशन। तो आपको यहाँ से क्लिक डाउनलोड पे ओके करना है। डाउनलोड पे ओके करने के बाद आप चले जाएंगे दूसरे पेज पे और यहाँ पे ये यह आपको लेके चलाएगा एडफ्लाई के वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको इसको करना है डैनी और इसके बाद आपको कुछ सेकेंड वेट करना है और यहाँ से जैसे यहाँ पे लिखा है प्लीज वेट, तो मेरा नेट स्लो है इसलिए नहीं तो ये बहुत ही फास्ट काम करेगा। और यहाँ पे आपको 5 सेकेंड का ऐड दिखाएगा, आपको 5 सेकेंड का ऐड देखना है। उसके बाद यहां से आपको कर देना है स्किप ऐड को ओके। आप जैसे ही स्किप ऐड को ओके कर लोगे तो स्किप ऐड ओके करते ही देख लीजिए यहाँ से दूसरा पेज ओपन होने लगा है और उसके बाद आपको यहाँ पे बोलेगा कि भाई आपको इसे अलाउ करोगे तभी ये डाउनलोड होगा। तो आपको ये नहीं करना है, आपको कुछ सेकेंड तक वेट करना है। वेट करने के बाद आप जैसे ही वेट करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए अभी हमारा नेट स्लो है, थोड़ा नेट स्लो काम कर रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बोलेगा कि आप पहले स्पेस को अलाउ कीजिए उसके बाद मैं डाउनलोड करने का ऑप्शन दूंगा। तो आपको अलाउ नहीं करना है, आपको यहाँ से देखिए जैसे यहाँ पर अलाउ कंटिन्यू का ऑप्शन दे रहा है ना, प्रेस अलाउ टू कंटिन्यू, तो आपको अलाउ नहीं करना है। अभी यहाँ पे आएगा अलाउ और ब्लॉक्स का ऑप्शन, तो आपको करना है ब्लॉक उसको और कुछ समय तक वेट करना है। आप 30 सेकेंड 40 सेकेंड वेट करिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये लेने लगेगा डाउनलोड इसको। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसने अलाउ और ब्लॉक्स का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे करना है ब्लॉक इसको और ब्लॉक करने के बाद आपको थोड़ा देर छोड़ दीजिए और थोड़ी देर छोड़ने के बाद 30 से 35 सेकेंड में ये आपको ले लेगा और ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगेगा। अगर आप डाउनलोड नहीं होता है तो आप इसे अलाउ कर सकते हैं, अलाउ करके डाउनलोड कर सकते हैं, पर अगर अलाउ ना करिएगा और आप थोड़ा देर वेट कर लीजिए यही आपके लिए अच्छा होगा। और इससे अगर आप अलाउ करते हो ना तो ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा आपको ऐड दिखाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मैं बता रहा था तो ये कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली डाउनलोड पे ले लिया और यहाँ से आपको करना है सेव। अब ये हो जाएगा सेव आपका यहाँ से। तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि आपके नीचे यहाँ पे एक देख सकते हो एक फ्री एक्सटेंशन का ऑप्शन है, तो आपको इसको भी इसी तरह का डाउनलोड कर लेना है। क्यों डाउनलोड करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आपने एक्सटेंशन आपने यहाँ पे नहीं लगाया, मान लीजिए ये भी एक्सटेंशन नहीं है ये भी एक्सटेंशन नहीं है, तो आपको यहाँ पे जब जैसे मैंने यहाँ पे विनरार में आपको दिखा देता हूँ एसेट का जो ये फोल्डर बना हुआ है ये फोल्डर नहीं बनेगा अगर आपने कोई भी एक्सटेंशन इसमें नहीं डाला हुआ है। तो आपको सिंपली ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है, कोई भी अगर आपके पास एक्सटेंशन है तो उसको डाउनलोड लेना है और इसमें पहले इम्पोर्ट करना है, उसके बाद आपको ये फाइल को डाउनलोड करना है, उसके बाद जा करके आपको जो भी आपका
फाइल होगा वो बन जाएगा फोल्डर, और उसमें ले जाकर के आपको पेटीएम एक्सटेंशन का जो भी कोड होगा उसको आपको पेस्ट कर देना है। तो ये एक पूरा प्रक्रिया था, और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है वीडियो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल पर नए हैं तो। और आपको अगर लगता है कि ऐसी वीडियोज़ की जरूरत हमारे दोस्तों को भी है, आपके दोस्तों को भी है, तो उन दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। टाटा बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें आपको एडिट करनी है और कहाँ से ये व्हाट्सएप नंबर ये सब चीज़ें आपको चेंज करने हैं। तो बस टाटा बाय बाय।